राजस्थान के नए सीएम बने भजनलाल शर्मा ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा था कि वह प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेंगे। शर्मा राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए। पिछले 34 सालों से राजनीति में सक्रिय शर्मा ने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएट तक की शिक्षा ग्रहण की है। कृषि एवं खनिज आपूर्ति उनका व्यवसाय है। सीएम पद को लेकर सबसे अधिक चर्चा वसुंधरा की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नाम चर्चा में थे, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने ऐसे नाम का चयन किया जो चर्चा में ही नहीं था। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का यूपी से बड़ा रिश्ता है। भजनलाल शर्मा की ससुराल सुल्तानपुर की तो बुआ का घर आगरा में है। आगरा के कस्बा मलपुरा के मुख्य बाजार में भजनलाल शर्मा की बुआ अंगूरी देवी का घर है। यहाँ उनका अक्सर आना जाना रहता है। उन्हें सत्तू बेहद पसंद है और सादगी से रहना अच्छा लगता है। तीनों राज्यों में मनचाहे नए चेहरे की ताजपोशी कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।